अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। आज है 23 मार्च सैटरडे और हम कहाँ जा रहे हैं? ईद की शॉपिंग करने। हम ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करना, लेकिन आज मैंने सोचा है कि अनस्टिच कपड़ों का टारगेट अचीव किया जाए, जिसमें अनस्टिच में आ जाते हैं मेरे बच्चों के और हस्बैंड के, और मैं मेड का भी एक ड्रेस लूँगी अपनी हेल्पर जो है मेरी। तो चलते हैं, देखते हैं। मुझे अभी समझ नहीं आ रही है, मैंने चूँकि कुछ प्लान नहीं किया कि मुझे किस टाइप के जो है स्टिच करवाने हैं या रेडीमेड लेने हैं, तो मेरे माइंड में अभी ऐसा कोई ड्रेस नहीं आया। तो देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या लेते हैं और कितना हमसे हो पाता है। आज इस टेलर ने तो मना कर दिया है कि कपड़े उसके पास जो है स्पेस नहीं है सीने की, तो अब हम चलते हैं रेडीमेड कपड़ों के हंट पे। और समझ नहीं आ रहा पिंडी चलें या इस्लामाबाद से ही करें, देखते हैं कहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट है। सेंटोरस में आपको सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो वो बेहतर है कि हम सेंटोरस ही चले जाएं। हाँ, ये है कि सेंटोरस में सारे ऑप्शन एक जगह पे हैं। आ गए हैं हम सेंटोरस। लेट्स सी यहाँ से हमें हमारे मतलब की जो है शॉपिंग हो पाती है या नहीं। सुनने में बहुत आया है कि बहुत कॉस्टली हैं कपड़े इस बार, स्टिच्ड कपड़े। अनस्टिच की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती और स्टिचेस बार बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या बनता है देखते हैं। इतना इंसेन रश है सेंटोरस में और अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं। अफ्तार के बाद हम इसलिए नहीं आए कि रश होता है, बट यहाँ तो इस टाइम पे भी बहुत रश है। गाइस, बच्चों के हमने ब्रेकआउट से ले लिए हैं और ये यहाँ पे आज 23 मार्च की सेल बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी के और वैरायटी के हमें रिजनेबल मिल गए हैं बच्चों के। शेरी को प्यास लगी है, शेरी रोज़ा नहीं रखता है। शेरी रुक जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रोज़ा क्यों नहीं रखा? आप उठाती नहीं। उठाऊँगी तो फिर रखोगे? इसको क्यों छेड़ रहे हो? इधर देखो, क्यों नहीं रखा? जो आप उठाती हैं। उठाती नहीं हूँ, कल उठाऊँ फिर रखोगे? ऐसे देखिए हमें बड़ी अच्छी रेंज में जो है ना, ये भी फिलहाल एक ही शर्ट का रेट लगा है। बच्चे यहाँ पे अपने लिए जो है मिस्ट पसंद कर रहे हैं। शेरी दिखाओ कौन सा अच्छा लगे। स्पाइडरमैन, वाह भाई, चलो करवाओ, अंकल को दो, दिखाओ। शेरी अशर आप दिखाओ। बेटा ये टेस्टर है, वो न्यू देंगे, न्यू देंगे। एक एवेंजर्स है ना, कैप्टन अमेरिका। शेरी ने भी पसंद कर लिया अपने लिए, दिखाओ। बेटा उस बैग में रखो, अशर उस बैग में रखो। क्या बैग में रखो? चलो 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 चलो, ये आपने पकड़ना है। फाइनली बच्चों की हो गई, एक टेंशन तो टली सर से। गाइस अभी हम आ गए हैं हॉपस्कॉच पे, बच्चों की शॉर्ट्स और पैंट्स रहती हैं, शर्ट्स हो गई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं इनकी पैंट्स लूँ शॉर्ट्स लूँ, लेकिन लाइट कलर में लेना चाह रही हूँ मैं। गाइस कहीं पे भी बच्चों की शॉर्ट्स नहीं मिल रही हैं। अब हम जा रहे हैं फोरकास्ट, लेट्स सी यहाँ से मिलती है नहीं,
और भी बड़ा रीज़नेबल सा लगा हुआ है। शहरी को लगी है प्यास और अभी से, अभी तो 2 बज रहे हैं और इसने कहा था रोज़ा रखूँगा मैं। यहाँ से भी नहीं समझ आई शॉर्ट्स की बच्चों की, अब चलते हैं कहीं और। एक बैच भिजवा चुकी हूँ, अगला बैच फ्राई हो रहा है और बहुत ही यमी आज पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। डाइनिंग टेबल पे जाके मैंने सर्व कर दिए, मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। आज है हमारे दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समोसे, फ्रूट चाट, दही बड़े, पकौड़े और जलेबी। सामने है बड़ा खूबसूरत माउंटेन्स का व्यू हमारे डाइनिंग टेबल से। अभी इफ्तारी में रहता है टाइम, तकरीबन 5 मिनट आई थिंक रहते हैं या 3 मिनट रहते हैं। बच्चों की शॉपिंग तो हो गई थी बट अब रहती थी हमारी शॉपिंग। तो हमने जो है इफ्तारी के बाद बच्चों को मेरी सिस्टर्स के पास ड्रॉप किया और हम आ गए दोबारा से सेंट टॉरस, और अब हम मेंटली रिलैक्स थे और तसल्ली से अपनी शॉपिंग कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर बच्चे साथ होते तो उन्होंने तो थक गए हैं, प्यास लगी है, इन्हीं बातों की रट लगाए रखनी थी। ऐसी तेज़ हवा चली है कि ये पुराने पत्ते गिरे हैं और ये इंशाल्लाह नए फ्रेश पत्ते निकलेंगे। ब्यूटीफुल यार, और अभी भी हवा चल रही है। तो जी फाइनली ईद की शॉपिंग हमने वाइंड अप कर ली और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैंने कुछ गेस्ट्स को अफ्तार के लिए इनवाइट किया हुआ था। मैंने अफ्तारी के जो आइटम्स बनाए थे वो थे दही बड़े, बॉक्स पैटीज, निहारी, सैंडविचेस, चना चाट, फ्रूट चाट, सिंपल पकोड़े बनाए, पालक के पकोड़े बनाए और मैंने निहारी की लवाजमात बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा भी था तो मुझे नमक मिर्च वगैरह का आइडिया बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने एंचिलाडास भी बनाया सामने, चीज़ी एंचिलाडास, मुझे ये बताना भूल गया। इस दस्तरखान पे देख के मुझे याद आया और ये दस्तरखान मैंने अलग से बच्चों के लिए लगाया था। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में। और इस्लामाबाद का वेदर बहुत खूबसूरत हो गया है, मैं अब इंजॉय कर रही थी इस मौसम को ड्राइव करते हुए। चलें जी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।